नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो करंट अफेयर्स का जो ये सीरीज चल रहा है, जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें आपको 600 से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा जो कारवा है वो पहुँच चुका है Part-5 में। इसके पहले हम लोग Part-1, 2, 3, 4 देख चुके हैं, जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 160 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग Part-1 की बात करें तो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए। अगर आपको लगता है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। Part-1, Part-2, Part-3 और Part-4 वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो Part-1 में ये सारे इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो मैंने कवर किए। Part-2 के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। Part-3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ देख सकते हैं। Part-4 आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग चलेंगे Part-5 में, जिसमें आपको 161 क्वेश्चन नंबर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप लोग Part-1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग उसको ज़रूर देखिए, उसमें बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। तो चलिए आज चलते हैं अपने Part-5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 161। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो सिप्री की अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आया है, तो उसके अनुसार भारत में न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या कितनी है आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन जब भी आपके स्क्रीन पे आए आप लोग वीडियो पॉज करके ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, और अगर आपने Part-1, 2, 3 और 4 नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ जाकर वो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 160 क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो वो बेहद इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए। वो चारों वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है Option B, 172 है फिलहाल भारत में न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या। तो इसके बारे में और डिटेल जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं सिप्री क्या है। तो सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सिप्री क्या है, एक स्वेडिश इंस्टीट्यूट है। स्वीडन एक देश है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्वेडिश इंस्टीट्यूट। तो आप यहाँ देख के समझ सकते हैं फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो स्टॉकहोम कहाँ की राजधानी है, तो ये स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। तो आगे हम लोग देखते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार अभी दुनिया में टोटल 9 देश जो हैं वो न्यूक्लियर आर्म्ड है। कौन कौन से? तो पहले 5 तो वो हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, US, UK, रसिया, चाइना और फ्रांस। उसके अलावा इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल, ये 9 जो है वो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट। आगे हम लोग देखते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में ये सारे 9 के 9 देश जो हैं वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को डेवलप करने में, मॉडर्नाइज करने में लगे हुए थे। मतलब अपना जो न्यूक्लियर का जो जखीरा है उसको ये लोग बढ़ाने में लगे हुए थे, इंक्लूडिंग इंडिया। अब अगर इंडिया के कंडीशन के बारे में बात करें तो इंडिया के पास इस बार 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स आए हैं, जो कि पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा है अगर जनवरी 2024 के हम लोग डेटा की बात करें तो। हालांकि हर बार क्या होता है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर वॉरहेड्स ज़्यादा होता है इंडिया से, बट इस बार के रिपोर्ट में इंडिया का न्यूक्लियर वॉरहेड्स ज़्यादा हो गया 172 और पाकिस्तान का हुआ 170। और एक बात जानने लायक इसमें यह है कि रसिया और USA इन दोनों के पास अकेले 90% न्यूक्लियर वेपन्स है। टोटल जितने न्यूक्लियर वेपन्स है उसका 90% सिर्फ इन दो देशों के पास ही है, और वो बट ऑब्वियस है क्योंकि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो ये लोग बहुत उस समय न्यूक्लियर वॉरहेड्स ये लोग बना रहे थे। आगे देखते हैं 162। हाल ही में रिलीज हुई सिप्री रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बना है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर? तो ये इंडिया है, और ये कई सालों से इंडिया टॉप पर बना हुआ है। तो 162 का भी Option B हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में डिटेल। तो सिप्री का फुल फॉर्म हम लोग जानते ही हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इंडिया जो है ये बना हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा जो है आर्म्स इम्पोर्टर, इसके रेस में हमेशा ये टॉप पर ही रहा है कई सालों से। तो देखते हैं इसका डेटा कि जो 9.8% है ग्लोबल आर्म सेल होता है उसमें 9.8% अकेला इंडिया खरीदता है। मतलब दुनिया भर में जितने हथियार बिकते हैं 100% में, हर
10% लगभग 10% हथियार अकेले इंडिया खरीदता है। और इंडिया को इतना बेचता कौन है, तो रशिया अभी भी टॉप पर बना हुआ है। इंडिया जितना इंपोर्ट करता है उसका 36% अकेले रशिया से लेता है और 33% फ्रांस से लेता है, यूएसए से 13% लेता है। तो ये सारे डेटा आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 163 मिशन निश्चय, ये किस राज्य में शुरू किया गया है। ये एक मिशन, एक लक्ष्य शुरू किया गया है निश्चय, तो ये किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये किया गया है पंजाब राज्य में। 163 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये 1 वीक तक ये मिशन जो है, ये निश्चय ये चलेगा, 1 वीक तक, 1 सप्ताह तक चलेगा। लॉन्च किया गया है ये पंजाब पुलिस के द्वारा, किसके साथ मिलके, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के साथ मिलकर और विलेज डिफेंस कमिटीज़ के साथ मिलकर। अब अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि बीएसएफ कौन से, मतलब बॉर्डर को गार्ड करती है, तो बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो इंडो पाक बॉर्डर को गार्ड करती है, मतलब इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको गार्ड करती है, और साथ ही साथ इंडो बांग्लादेश, ये दोनों बॉर्डर को जो है ये बीएसएफ गार्ड करती है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो पंजाब पुलिस बीएसएफ और विलेज डिफेंस कमिटीज़ के साथ मिलकर ये जो मतलब मिशन निश्चय है इसको चलाया है। तो इसमें होगा क्या, जो बॉर्डर के विलेजेस हैं, कौन से ज़िले के, फजिलका ज़िले के, पंजाब में एक ज़िला है फजिलका, उसके जो बॉर्डर के गांव हैं लगभग 42 गांव, उन 42 गांवों में ये मिशन निश्चय चलाने वाली है पंजाब की सरकार, पंजाब की पुलिस। तो उसमें होगा क्या, उसमें ये लोग यह करेंगे कि गैदर करेंगे इंटेलिजेंस को, मतलब जमा करेंगे, किस बात का इंटेलिजेंस, कि कितना और डिमांड, कितना डिमांड और सप्लाई है ड्रग्स का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पंजाब में जो ड्रग्स की समस्या है वो बहुत बड़ी है, और ड्रग्स वो बॉर्डर पार से, मतलब पाकिस्तान से ही आता है, अफगानिस्तान से आता है ड्रग्स। तो ये चेक करने के लिए कि कितना ड्रग्स का सप्लाई हो रहा है इंडिया में, कितना डिमांड हो रहा है, तो बॉर्डर के थ्रू ही होता है, तो हमेशा ड्रग्स वहाँ पे पकड़ा जाता है। तो बेसिकली ड्रग की समस्या से निपटने के लिए ही ये मिशन निश्चय चलाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान का टोटल बॉर्डर है वो है 3,323 किलोमीटर, जिसमें से पंजाब जो है, इंडिया का स्टेट जो पंजाब, उसके साथ पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है 553 किलोमीटर, और जिस ज़िले में ये चलाया गया है, अभियान चलाया गया है मिशन निश्चय, वो है फजिलका ज़िला। हम लोग पहले बात कर चुके हैं, तो फजिलका ज़िला की जो बाउंड्री है 108 किलोमीटर बाउंड्री जो है वो पाकिस्तान से मिलती है, इसीलिए ये जो ज़िला है बहुत ही सेंसिटिव है। देखिए पंजाब के कई सारे ज़िले पाकिस्तान से मिलते हैं, जैसे कि अमृतसर, ये आप जानते होंगे, अमृतसर के अलावा गुरदासपुर, गुरदासपुर के अलावा फिरोजपुर, इसके अलावा तरन तारन, उसके अलावा पठानकोट और एक फजिलका, इस तरीके से 6 जिले जो हैं पाकिस्तान से मिलते हैं। तो सारे ज़िले ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फजिलका ज़िले से कुछ ज़्यादा ही सप्लाई होता था, इसीलिए इस ज़िले में ये मुहिम को चलाया गया है। तो 108 किलोमीटर फजिलका डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ। पंजाब पुलिस के अगर माने तो पिछले साल 2023 में 1450 केजी जो हीरोइन है वो जब्त किया गया था। तो इतना जब्त किया गया था तो आप समझ सकते हैं कितना हेर फेर होता होगा हीरोइन का। आगे देखते हैं 164। हाल ही में जारी हुई पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक है 176, बिल्कुल लेटेस्ट ये जारी हुआ है रिपोर्ट, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कोई भी रिपोर्ट आए तो सबसे पहले आप ये देखा कीजिए उस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, उसमें इंडिया का रैंक क्या है, टॉप पे कौन है, लास्ट पे कौन है, अगर इतना भी आप लोग जान लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट को जारी करता है येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, और ये साथ किसके साथ मिलकर, कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के साथ इस रिपोर्ट को जारी करता है। इसमें इंडिया का रैंक कितना है इस बार, 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो इसमें आप समझ सकते हैं 180 में इंडिया का रैंक है 176, सिर्फ 4 देश है जो इंडिया से खराब स्थिति में है, कौन कौन से, पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार, मतलब सिर्फ 4 देश। अब इसमें टॉप कौन करता है, इस्टोनिया इसमें टॉप करता है। तो इस्टोनिया आखिर क्यों टॉप किया है, तो इन्होंने अपने ग्रीन हाउस गैस जो एमिशंस है उसको 59% कम किया है, 1990 का जो लेवल था उस लेवल के कंपैरिजन में 59% इन्होंने कम किया है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को। अब एक और इम्पॉर्टेंट आंकड़े की बात करें तो सिर्फ 5 ऐसे देश हैं, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस,
टाइमोर लेस्टे और यूके, सिर्फ 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को इस लेवल में कम किया है जिस लेवल से उसको कम करने का ज़रूरत है अगर हम लोग 2050 तक जो लक्ष्य बना रखे हैं एक ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसको नेट जीरो करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस लेवल से कट करने की ज़रूरत है उस लेवल से सिर्फ ये 5 ही देश कट किए हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को, बाकियों ने बहुत कम ही इस मामले में काम किया है। 165, भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? बहुराष्ट्रीय मतलब कई देशों के एयर कॉन्टिंजेंट इस एक्सरसाइज में भाग लेंगे, तो यह आयोजित किया जाएगा जोधपुर राजस्थान में। 165 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है इंडिया में जो कि एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज होगा जिसका नाम रखा गया है तरंग शक्ति 2024 में होगा। इसलिए तो ये कहीं ना कहीं इंस्पायर है रेड फ्लैग एक्सरसाइज जो कि अमेरिका होस्ट करता है उससे इंस्पायर है। अब जो इंडिया में होने वाला है तरंग शक्ति 2024 ये 2 फेज में होगा, 1 अगस्त 1 सितंबर में होगा। तो इसमें कई सारे देश भाग लेंगे जैसे US, UK, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, स्पेन, UAE, इस तरीके के कई देशों के जो एयरफोर्स के जो कॉन्टिनजेंट है वो इसमें भाग लेंगे इस एक्सरसाइज में। 166, हाल ही में किस देश ने अपना खुद का डीप सी मिशन शुरू किया है, मतलब कि गहरे समुद्र में जाकर खोज करने वाला मिशन? तो ये इंडिया है जिसने अभी हाल ही में अपना डीप सी मिशन लॉन्च किया है। तो यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर जो हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये अनाउंस किया कि इंडिया अब 6ठा देश बनने वाला है जिसका अपना डीप सी मिशन होगा। USA, चाइना, रसिया, जापान और फ्रांस के बाद इंडिया बन जाएगा 6ठा देश। तो उन्होंने साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी जो है उनके डेवलपमेंट का बहुत सराहना किए क्योंकि उन्होंने ही बनाया है मत्स्ययान 6000 जो कि पानी के अंदर 6000 मीटर गहरे पानी तक ये जाएगा खोज करने के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी अप्रिसिएट किया कि NIOT मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, इन्होंने इसरो के साथ मिलकर जो टाइटेनियम हल का डेवलपमेंट किया है जो कि एक एक्सट्रीम प्रेशर को झेल सकता है पानी के अंदर, क्योंकि जब आप 6000 मीटर नीचे जाते हैं पानी में तो आपके ऊपर पानी का दबाव कितना ज़्यादा होता है उसको झेलना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ये जो टाइटेनियम हल डेवलप किया गया है ये कहीं ना कहीं उस प्रेशर को झेलेगा और साथ ही साथ 72 आवर्स तक पानी में रहने का ये हेल्प करेगा। तो ये जो डीप सी मिशन है अब ये कहीं ना कहीं सिर्फ मिनरल एक्सप्लोरेशन तक ही लिमिटेड नहीं है कि खनिज का खोज करना है, जी नहीं, अब क्या है ओशियन साइंस का डेवलपमेंट के बारे में जानना, साथ ही साथ फ्लोरा एंड फौना को भी एक्सप्लोर करना है, साथ ही साथ जो मराइन डाइवर्सिटी है उसको कहीं ना कहीं उसके कंजर्वेशन को भी ध्यान रखते हुए ये सारा जो डीप सी मिशन है इसको किया जा रहा है। आगे देखते हैं 167, हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 ये किसे प्रदान किया गया है? अभी हाल ही में इस पुरस्कार को अनाउंस किया गया है। तो ये हिंदी साहित्य के लिए जो मिला है वो मिला है गौरव पांडे जी को। 167 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो ये मिला है के वैशाली को, गुजराती की बात करें तो ये मिला है रिंकू राठौड़ को और संस्कृत की बात करें तो ये मिला है मधुसूदन मिश्रा को। तो ये कुछ जानकारियां आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 168, भारत के निम्न में से किस संग्रहालय को मतलब किस म्यूजियम को यूनेस्को प्रिक्स वर्साय म्यूजियम्स 2024 के लिए चुना गया है, वो कौन सा म्यूजियम है? तो वो है स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम जो कि भुज में है, गुजरात के भुज में है, इसको चुना गया है यूनेस्को के प्रिक्स वर्साय म्यूजियम 2024 के लिए इसको चुना गया है। आगे देखते हैं 169, हाल ही में साहिल चौहान ने सबसे तेज T20 शतक बनाया, वह किस देश के खिलाड़ी हैं ये साहिल चौहान? तो ये हैं एस्टोनिया देश के खिलाड़ी हैं ये। 169 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने किसके खिलाफ ये मारा है सेंचुरी सबसे तेज? तो ये मारा है साइप्रस देश के खिलाफ और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है जैन निकोल लॉफ्टी ईटन का, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है फास्टेस्ट T20 100 के मामले में। इनका रिकॉर्ड था 33 बॉलों पे और इन्होंने बनाया है सिर्फ 27 बॉलों पे साहिल चौहान ने। और साथ ही साथ अगर ओवरऑल T20 फॉर्मेट की बात करें तो उसमें क्रिस गेल का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, उन्होंने सिर्फ 30 बॉलों पे बनाया था IPL 2013 में सेंचुरी। आगे देखते हैं 170, PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के MD मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं?
तो ये बने हैं समीर बंसल जी, 170 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आगे अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने हैं इस वीडियो में, बट अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 179। तो पिछले चूंकि एक साल का करंट अफेयर्स है तो कई जो डेवलपमेंट हुए हैं, कई चीफ मिनिस्टर्स बने हैं पिछले एक सालों में, वो सारे नाम हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे। हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं नायब सिंह सैनी जी। अगर आप लोगों को वो देखना है कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश, सिक्किम के अलावा और भी अरुणाचल प्रदेश और उसके अलावा ओडिशा में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे लोकसभा के साथ साथ, तो वहाँ पे कौन मुख्यमंत्री बने हैं, किन की कितनी सीटें आई हैं, वो जानने के लिए आप लोग Part-1 इसका ज़रूर देखिए। वहाँ पे लेटेस्ट जो CM वगैरह बने हैं और सारे जो मंत्रिमंडल हैं उसका हम लोग चर्चा किए हैं Part-1 में, वो ज़रूर देखिए आप लोग। 172, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंपाई सोरेन, 172 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हेमंत सोरेन जी को रिज़ाइन करना पड़ा था क्योंकि ED ने उनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट कर लिया था। 173, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहन यादव जी, 173 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 174, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं विष्णुदेव साई, 174 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 175, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं भजन लाल शर्मा, 175 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 176, तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं रेवंत रेड्डी, 176 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 177, देश में एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके लिए गठित कमेटी एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्यक्ष कौन थे? मतलब एक राष्ट्र में एक ही बार चुनाव हो जाए, इसके लिए कमेटी गठित की गई थी जिस कमेटी का भी नाम था एक राष्ट्र एक चुनाव, तो इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, 177 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 178, जातीय जनगणना करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? पहला तो बिहार था, दूसरा कौन बना है? तो दूसरा बना है आंध्र प्रदेश, 178 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 179, हाल ही में हट्टी समुदाय को किस राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया है? तो जो हट्टी समुदाय है उसको हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया है, 179 का बी हो जाएगा। 180, हाल ही में सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी, वह किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे? तो ये हैं सोनम वांगचुक, ये अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दिए, तो ये एक्चुअली लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने का मांग कर रहे थे। इसके अलावा और भी कई इनका डिमांड था बट ये कई डिमांड में से एक था, 180 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 181, हाल ही में किस राज्य ने 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये राज्य है गुजरात, 181 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे 108 स्थानों पर एक साथ बहुत सारे लोगों ने सूर्य नमस्कार किया, तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, 181 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 182, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कितने वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो शिक्षा मंत्रालय ने 16 साल से कम एज के बच्चों को कोचिंग केंद्र में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। 183, उंगलई थेडी उंगल ओरिल, ये जो पहल है ये किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु राज्य के द्वारा, 183 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये वहाँ के CM है MK स्टालिन। तो उंगलई थेड़ी उंगल ओरिन, इसका मतलब होता है ब्रिंगिंग सर्विसेज टू योर डोर स्टेप्स, मतलब जो सरकारी सेवाएं हैं उसको आपके द्वार तक लाना। तो इसमें क्या होगा, एक जो गैप बना होता है मतलब गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करना है, और जो सारे स्कीम्स का जो बेनिफिट है, जो फ़ायदा है, वो ग्रास रूट लेवल मतलब जिसको ज़रूरत है वहाँ तक सारे स्कीम्स का फ़ायदा पहुँचाना ही इसका एम है। 184, घर घर राशन योजना, इसकी शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है पंजाब सरकार के द्वारा, 184 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 185, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉटन कैंडी की बिक्री पर रोक लगा दी है? तो वो राज्य है, अभी हाल ही में वो किया है हिमाचल प्रदेश ने इसकी बिक्री पर रोक लगाया है, 185 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये है कॉटन कैंडी जो अक्सर बच्चे खाते रहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश ने ज्वाइन कर लिया है उन राज्यों को जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा,
पुडुचेरी, इन राज्यों ने ऑलरेडी बैन लगा रखा है इस कॉटन कैंडी पे, क्योंकि इसमें जो कलर करने के लिए जिस पदार्थ का यूज़ किया जाता है रोडामाइन भी, वो एक कैंसर काउजिंग एजेंट है, इसीलिए इस पर बैन लगा दिया गया है। 186 लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण जो विधेयक है 2024 में पास हुआ था, इसमें अधिकतम कितने सालों का कारावास और कितने रुपए जुर्माने का प्रावधान है? तो इसमें अधिकतर 10 साल तक आपको कारावास हो सकता है मैक्सिमम, और 1 करोड़ रुपए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो सरकार ने इस बिल को लाया था जिस बिल का नाम था पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस, मतलब एग्जाम में जो चोरी चमारी होता है, पेपर लीक हो जाता है, इससे बचने के लिए इस बिल को लाया गया था, ताकि जो अलग अलग सरकारी एग्जाम्स के फॉर्म्स निकलते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उसमें माल प्रैक्टिसेस मतलब चोरी हो जाता है, इररेगुलरिटी होता है, उसको कहीं ना कहीं चेक करने के लिए इस बिल को लाया गया। आगे देखते हैं 187 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस मंत्रालय की झांकी को पहले स्थान का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो झांकी था उसको मिला था पहला स्थान। तो इसमें क्या था, ये जो विनिंग टैबलो था मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, उसका जो थीम था वो था इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। 188 हाल ही में भारत ने बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान की है? तो $1 मिलियन का मानवीय सहायता प्रदान किया गया था केनिया देश को। 188 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो भारत की सरकार ने एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया केनिया की सरकार को, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ से बहुत तबाही हो गई थी, और वहाँ राज्यों को काउंटीज़ कहा जाता है, तो 47 काउंटीज़ में से 38 जो हैं इफ़ेक्टेड थे, और उस समय तक लगभग 267 लोग मारे जा चुके थे और बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए थे, एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे। जो प्रेसिडेंट है वहाँ के केनिया के, वो है विलियम रूटो। कैपिटल जो है वो नैरोबी है केनिया का, और वहाँ जो करेंसी चलता है, करेंसी वो है केनियन शिलिंग। 189 हाल ही में जारी की गई संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसके हिसाब से जो इसकी रिपोर्ट है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2024, तो इसके अनुसार भारत की अनुमानित जनसंख्या क्या है? मतलब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इस रिपोर्ट को जारी करता है, जिस रिपोर्ट का नाम है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2024, तो इसके अनुसार भारत की अभी की अनुमानित जनसंख्या क्या है? तो यह है 144 करोड़। 189 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर चाइना की बात करें तो चाइना को हम लोग पछाड़ चुके हैं, चाइना की आबादी है 142.5 करोड़। और अगर उसके आगे हम लोग देखें, जो हमारा मतलब ऑफिशियल सेंसस के आंकड़े आते हैं वो हर 10 साल में, तो 2011 के बाद 2021 में आना था, अब तक नहीं आया, तो उसके अनुसार जो इंडिया का आबादी है वो तो आज भी 121 करोड़ ही है, लेकिन लेटेस्ट जो है वो है 144 करोड़। आगे देखते हैं 190 हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज मोरा का निधन हो गया, वह किस देश से थे? तो ये वेनेजुएला से थे। 190 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो मरने के पहले जो थे ये 114 साल 311 दिन ये जिए थे। 191 निम्न में से किस पर्वतारोही ने हाल ही में रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है? तो ये हैं रीता कामी शेरपा, इन्होंने 30 बार माउंट एवरेस्ट का चढ़ाई किया है। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ये बार बार तोड़ रहे हैं, और ये टोटल 30 बार चढ़ चुके हैं माउंट एवरेस्ट पे। तो पिछले 30 सालों में ये 30 बार चढ़ चुके हैं दुनिया का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, मतलब यही है माउंट एवरेस्ट, उस पर ये 30 सालों में 30 बार चढ़ चुके हैं। अब माउंट एवरेस्ट ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? अगर मीटर में देखें तो 8848.86 मीटर, और अगर फीट की बात करें तो 29031.69 फीट है ये, तो इसको ध्यान रखिएगा। इनको एवरेस्ट मैन भी कहा जाता है, और सबसे हद की बात ये है कि 29वीं बार ये चढ़े थे 12 मई को, और ठीक 22 मई को ये तीसरी बार भी चढ़ गए, मतलब 10 दिनों के अंदर ये दूसरी बार माउंट एवरेस्ट के पीक पर ये चढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं 192 माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला कौन बनी है, ओल्डेस्ट वीमेन? तो ये बनी है ज्योति रात्रे। 192 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये 55 साल की है मध्य प्रदेश की, और ये बन गई हैं ओल्डेस्ट इंडियन वीमेन जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, और ये 19 मई को ये चढ़ी। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा संगीता बहल जी का, जो 53 साल की थी, इसके पहले उनके नाम पे रिकॉर्ड था, तो 6 सालों बाद ये रिकॉर्ड टूट गया। अब आगे देखते हैं, अगर सबसे यंगेस्ट की बात करें फीमेल में, तो ये है काम्या कार्तिकेयन, ये सिर्फ 16 साल की हैं और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली यंगेस्ट इंडियन बनी है। आगे देखते हैं 193
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना है स्पेन। 193 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया और फ्रांस ने ये ज्वाइंटली इसको लॉन्च किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, जब COP21 चल रहा था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 चल रहा था पेरिस में, उसी के साइडलाइंस में इसको लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इंडिया और फ्रांस के द्वारा। तो इसमें क्या करना था कि वो सभी देशों को एक साथ लाना था जहाँ पे सूर्य की ऊर्जा, मतलब सूर्य की गर्मी जहाँ पहुँचती है, ताकि वो सोलर एनर्जी को अच्छे से यूज़ कर सके और किस किस लिए ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोल डीजल, इसको काउंटर करना है, क्योंकि ये तो वैसे भी ख़त्म हो जाएंगे 10-15 सालों के बाद। तो आपको सोलर एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ करना है, इसके लिए ये ISA को बनाया गया था। ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। कैपिटल, जो स्पेन ने ज्वाइन किया ISA को भी लेटेस्ट में, तो कैपिटल है स्पेन का मैड्रिड। प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के पेड्रो सैंचेस। करेंसी है वहाँ का यूरो। आगे देखते हैं 194। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश आर्टिमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश बना? तो ये देश है स्लोवेनिया। 194 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें कोऑपरेशन मांगा जाता है, किस चीज़ का, कि ये जो सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं इसको, मतलब जिसमें मून आते हैं, मार्स आते हैं, सारे जो इस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उसको एक, मतलब पीसफुल यूज़ करना है, वहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होने हैं, मिसाइल्स नहीं लेकर जाने हैं, तो वहाँ पे इसको पीसफुल यूज़ करना है सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को, इसीलिए इसको साइन कराया जाता है, आर्टेमिस समझौते को साइन कराया जाता है। 195। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया का कौन सा शहर बिलिनेयर कैपिटल ऑफ एशिया बन गया है? मतलब एशिया का वो कौन सा शहर है जो कि अब बिलिनेयर कैपिटल के नाम से जाना जाने लगा? तो वो शहर है मुंबई। 195 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में अब टोटल 92 बिलिनेयर्स हो गए हैं, और इसने मुंबई ने बीजिंग को ओवरटेक कर लिया एशियन कैपिटल के मामले में, टाइटल ऑफ द एशियन कैपिटल हो गया है, जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलिनेयर्स हो गए हैं। तो अगर उसके अलावा न्यूयॉर्क की बात करें, न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में है, वहाँ पे 119 बिलिनेयर्स है। दूसरे नंबर पे है लंदन जहाँ पे 97 है। तीसरे नंबर पे है इंडिया जहाँ पे हो गया 92 बिलिनेयर्स। 196 देखते हैं। भारत अगले 5 सालों तक किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो भारत ने एक बार फिर से डील साइन कर लिया है बांग्लादेश के साथ, अगले 5 सालों तक ये बांग्लादेश के अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। तो 196 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है जिसमें 1500 बांग्लादेशी ऑफिसर्स को इंडिया 2025 से लेकर 2030 तक इसको ट्रेन करने वाला है। 197। हाल ही में मीथेन सेट सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स के द्वारा, जो कि एलन मस्क का स्पेस एजेंसी है। 197 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो मीथेन सेट क्या करेगा, एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि नेम और शेम करेगा मीथेन एमिटर्स को, जो मीथेन को एमिट करते हैं पर्यावरण में, उसका नाम बताएगा और उसको शर्मिंदा भी महसूस कराएगा कि आप इतना मीथेन को एमिट कर रहे हैं। तो अगर इसमें मीथेन सेट क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा देश कितना मीथेन एमिट कर रहा है, कहाँ से कितना मीथेन एमिट, मतलब आ रहा है पर्यावरण में, और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और समय के साथ उसका मीथेन एमिशन कम रहा है या और बढ़ता ही जा रहा है। अब अगर मीथेन पे बात करें तो ये इतना आखिर इसके लिए लेकर इतना क्यों परेशान है लोग? तो इसलिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में ये दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद, मतलब CO2 के बाद जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग को, वो है मीथेन। आगे देखते हैं 198। हाल ही में किस संगठन के द्वारा ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 इस रिपोर्ट को जारी किया गया है? ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 रिपोर्ट, तो ये जारी किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो 120 मिलियन टन जो मीथेन है वो एटमॉस्फेयर में आया, जिसमें 80 मिलियन टन जो है ये सिर्फ 10 देशों से आया है, 80 मिलियन टन, और बाकी आप समझ सकते हैं सिर्फ 40 मिलियन टन में बाकी के सारे देश हैं, लगभग 190 या 200 देश कहिए। तो आगे देखते हैं, अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस में से जितना मीथेन एमिट होता है उसमें US टॉप पे है और रसिया दूसरे नंबर पे है। ऑयल एंड गैस मतलब से जितना ऑयल और गैस से जितना मीथेन एमिट होता है उसमें US टॉप पे है, रसिया दूसरे पे है। लेकिन अगर कोल की बात करें, कोयले से जितना मीथेन एमिट होता है उसमें चाइना नंबर 1 पे है। आगे देखते हैं 199।
हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना उत्तराखंड। 199 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला। तो यूसीसी जो उत्तराखंड में है, ये पहला ऐसा मतलब इस देश का पहला ऐसा राज्य बना जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये होता क्या है, मतलब इस पे जो मैरिज के लिए, डाइवोर्स के लिए और प्रॉपर्टी जो आप इनहेरिट करते हैं अपने पूर्वजों से, उसके लिए सबके लिए कानून एक कर दिया गया। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक कर दिया गया है। अब इसमें क्या है, पहले क्या होता था कि सभी रिलीजन जो है अपने पर्सनल लॉज से चलते थे। जैसे होता ये है ना कि अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो उसमें तो सबके लिए सेम ही है सज़ा। आप अगर मर्डर करोगे तो आपको भी वही सज़ा मिलेगा, जो कोई और रिलीजन का करेगा उसको भी वही मिलेगा। लेकिन जो सिविल लॉज थे, सिविल लॉज वो सबके लिए अलग अलग थे। क्रिमिनल लॉज सबके लिए सेम था लेकिन सिविल लॉ सबके लिए अलग अलग था। लेकिन इसीलिए अब लाया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिससे सिविल लॉ भी सबके लिए सेम हो जाएगा। इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये इस लॉ के अंदर नहीं आएंगे, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स को शामिल नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 200। फिल्मों में योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बने हैं विनोद गणरात्रा जी। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन 200 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। क्वेश्चन नंबर 201 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। हाल ही में केई पन्योर ये किस भारतीय राज्य का 26वां जिला ये बना है? केई पन्योर तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बना है। 201 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने टोटल 201 क्वेश्चंस कवर कर लिया है 5 पार्ट्स में। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है सीरीज़, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।